फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई इन दिस कॉम्प्लेक्स। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें सेंट्रल मेटल जो है एफ ई उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, के फोर एफ ई सी एन का होल हेक्सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारे लिगेंड है, ये भी क्या है मेटल है, ये भी क्या है मेटल है। ये हमारा पोटेशियम है, अल्कली मेटल होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन मेटल है और इसी का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिस भी एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको आप कंसीडर करेंगे एक्स, तो इसको हम एक्स मानेंगे। बाकी के जो भी एटम है सबका चार्ज आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा पोटेशियम होता है के, इस पर चार्ज होता है प्लस का वन, ठीक है, के प्लस। एंड जो सी एन है साइनाइड, इस पर चार्ज होता है माइनस का वन। ऑल राइट, बस यही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे के जो है वो कितने टाइम्स है, फोर टाइम्स, तो आप लिखेंगे फोर, ठीक। अब इस पे चार्ज कितना है, प्लस का वन, तो प्लस का वन आपने ब्रैकेट में लिखा, प्लस। अब इसके लिए आप लिखेंगे एक्स प्लस, ये जो है लिगेंड है सी एन वो कितनी बार है, सिक्स टाइम्स है, तो सिक्स लिखेंगे। इस पे चार्ज कितना है, माइनस का वन, तो आप लिखेंगे माइनस का वन। इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा जीरो। ऑल राइट, फोर का वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर ही होगा, प्लस एक्स हो गया हमारा। सिक्स का वन से करवाएंगे सिक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो सिक्स में से फोर माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का टू। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें जो एफ ई है आयरन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू।